गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अज आपां पोल्ट्री का पार्ट 10 डिस्कस करांगे। तो जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो भी तां जो वध तो वध स्टूडेंट्स थोड़े लवे मतलब वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकन ते अगे वीडियो नू शेयर भी जरूर कर दियो जे तुहानू वीडियो चंगी लगती है। तो चलो अज का सैशन आपां स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद भारत के संविधान का भाग 8वां किस नाल संबंधित है। जिहड़ा पार्ट 8 अपने कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन टैरिटरीज नाल संबंधित है। तो 8वें का पार्ट जिहड़ा 8वां पार्ट है यूनियन टैरिटरी ड्यूटीज, बी ऑप्शन से टिक ला दोगे। तो नैक्सट का दी 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एडिड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 74th सोध एक्ट 1992 ने भारत के संविधान का किहड़ा हिस्सा शामिल किया। 74th अमेंडमेंट ने म्यूनसिपैलिटीज एड किया। 9th ए है, तो 9th ए 182 का बी ऑप्शन 9th ए दे उत्ते तुसी पार्ट दे उत्ते टिक लगा दोगे। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। भारत के संविधान के किहड़े सोध एक्ट ने भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की शुरुआत की। तो जी GST की अपनी शुरुआत हुई सी डियर स्टूडेंट, वो 101 अमेंडमेंट ने की GST। ठीक है जी, 101 अमेंडमेंट बिल ने GST भारत के मतलब शुरुआत की। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डियर। नैक्सट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम पुर्तगीज। किस साल भारतीय फौज ने गोवा नू पुर्तगालिया तो आज़ाद कराया सी। ता गोवा पुर्तगालिया तो आज़ाद बेटा अपने 1961 विच फ्री कराया सीगा। ता 1961 दे उत्ते तुसी सी ऑप्शन दे उत्ते तुसी टिक लगाओगे। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज इंसर्टिड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। हेठ लिखा किहड़ा शब्द संविधानिक एक्ट 1976 द्वारा प्रस्तावना विच पाया गया सीगा। तो प्रस्तावना राही मतलब 42वीं अमेंडमेंट 1976 राही 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। अपने वर्ड से डी सोशलिस्ट सैकुलर तो इंटीग्रिटी, ये सोशलिस्ट वर्ड हैगा तो डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे। ठीक है जी, नैक्सट हैगा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अनुच्छेद 21A सिक्ख्या का अधिकार किस संविधानिक सोध एक्ट के तहत होंद विच आया सीगा। तो 86th अमेंडमेंट लगी सी 2002 दे, उस अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब ऐड किया सीगा। 86th अमेंडमेंट 2002 दी गलबात है। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे। ओके है जी, नैक्सट हैगा विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द हाउस। किस सोध ने मंत्री मंडल दिया सीटा नू सदन दिया कुल सीटा दे 15% तक सीमित कर दिता। तो वह जी अमेंडमेंट है 91st अमेंडमेंट है, तो सी ऑप्शन 91st अमेंडमेंट के उत्ते टिक लगाओगे। जी 91st अमेंडमेंट से इस अमेंडमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की गिनती 15% मैक्सीम सीटा जिन्हें लोग सभा दिया ने उत्थे तक सीमित करती। ठीक है जी, नैक्सट हैगा द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट। मैं थोड़ा हूँ ही दस के हटा सीगा भी जी प्रस्तावना किस अमेंडमेंट राही मतलब सोध किया गया सीगा प्रीएम्बल नू। 42nd अमेंडमेंट 1976 राही डी है, तो 42nd अमेंडमेंट डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की कौन सोध नूं भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 नूं कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने बहुत कुछ चेंज किया अपने भारत के संविधान के। नैक्सट है विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेजिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो किस सोध ने राष्ट्रपति लिए संविधानिक सोध बिलों अपनी सहमति देना लाजमी कर दिता सीगा। तो इसका सही ऑप्शन है 24th अमेंडमेंट। तो 24th अमेंडमेंट ने राष्ट्रपति को यह पावर दी है भी थोनों सिग्नेचर करना ही पैना है जो आप कोई अमेंडमेंट बिल करते होंगे डी। ठीक है जी, नैक्सट है सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूटी इंडियन यूनियन थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम भारतीय संघ का एक मतलब
एक शोध एक्ट राही एक एसोसिएट राज बन गया सीगा, किस अमेंडमेंट राही एसोसिएट राज बनिया सीगा, तो 35th अमेंडमेंट राही बनिया सीगा एसोसिएट स्टेट। तो ध्यान रखियो एसोसिएट स्टेट कह रहा वर्ड, 35वें अमेंडमेंट। नैक्सट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड सिक्किम एन इंडियन स्टेट, किस संविधानिक सोध ने सिक्किम नू एक भारतीय राज बनाया सीगा, तो सिक्किम एक भारतीय राज जो बन गया, पहला एसोसिएट स्टेट है 35वें अमेंडमेंट है, बट जी हूँ अपनी सिक्किम अपनी इंडियन स्टेट बन गया 36th अमेंडमेंट बनूगी 1975 राही, डियर 36th अमेंडमेंट 1975 राही सिक्किम नू भारतीय स्टेट के मतलब शामिल किया गया सीगा, डियर। नैक्सट है विच अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटिड टू द इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन, तो केड़ा सोध एक्ट आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग नाल संबंधित, तो इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन यह जी अमेंडमेंट सी, डियर स्टूडेंट यह अपनी 103rd अमेंडमेंट सी, 103rd 103 अमेंडमेंट लगी सी EWS के लिए, डियर। नैक्सट है विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 फॉर जनरल इलैक्शन, तो लोग सभा चोणों लिए इलैक्शन के लिए 21 साल तो उम्र घटा के 18 साल करती, तो किस अमेंडमेंट ने की, क्योंकि पहला वोटिंग एज 21 साल होंगी सी, तुम्हें पता हूँ अपने 18 साल से ही मतलब अपने वोटर कार्ड बन जाते हैं, तो यह चेंज किया 61वीं अमेंडमेंट 1988, तो 61st अमेंडमेंट जी 1988 के हुई सी, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे। ओके जी, नैक्सट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद अनुसार भारत की है, तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार भारत की है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो 195 का डी ऑप्शन के उत्ते टिक लगाओगे यूनियन ऑफ स्टेट्स के उत्ते, डी ठीक है जी। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो भारत भाषा के आधार पर बनया पहला राज केड़ा है, तो भाषा के आधार पर जिहड़ा सब तो पहला 1953 राज बनया सीगा डियर स्टूडेंट वह आंध्र प्रदेश बनया सी 1953 दे विच, आंध्र प्रदेश बनाया गया सीगा 1953 दे विच डियर स्टूडेंट, ठीक है जी। नैक्सट हैगा इंडियन पार्लीमेंट हैज़ पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, भारतीय संसद नूं किस अनुच्छेद तहत नवा राज बनाउण दा अधिकार है, तो नवा राज आर्टिकल नंबर 3 दे अकॉर्डिंग बनता हुंदा है, नवा राज डियर आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनूगा डियर, तो ऐड करना कोई नवा राज डियर कोई बाहरों की कोई नवी स्टेट ऐड करनी है जी कहीं पहला इंडिया का हिस्सा नहीं सी वो ऐड करना है, तो अपना आर्टिकल नंबर 3-2 करता डियर, ठीक है जी। तो फिलहाल दे आंसर है आर्टिकल 3 हैगा, ठीक है जी। नैक्सट हैगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एसटैबलिश अ न्यू स्टेट, तो हेठा दिता में किस को नवा राज स्थापित करने की कार्यकारी शक्ति होंगी है, तो कार्यकारी शक्ति है जी वो पार्लीमेंट लवे होंगी, तो ए ऑप्शन पार्लीमेंट के उत्ते टिक लगा दोगे, ठीक है जी। नैक्सट है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स विच मजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो नवे राज की सिरजना लिए संविधानिक सोचली किस बहुमत की लड़ होंगी, तो जो आप नवे स्टेट बनाने तो उस आपकी मजोरिटी की लड़ होंगी, सिंपल मजोरिटी की मतलब लड़ होंगी है, तो ए ऑप्शन के उत्ते सिंपल मजोरिटी के टिक लगाओगे, ठीक है जी। नैक्सट है यूटी इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेटिड बाय होम, भारत केंद्र शासित प्रदेश किस द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, तो भारत भी जरा केंद्र शासित प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राही किए जाते हैं डी, ठीक है दी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ए ऑप्शन के उत्ते टिक लगा दोगे, तो होप करता डीयर स्टूडेंट थोड़ा वीडियो चंकी लगी होगी, तो वो तो वह अपने फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दे भी, तो वह स्टूडेंट इस चैनल के नाल जुड़ सकन। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।